हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल नॉलेज राइजिंग हब तो जैसे कि आपको पता है मेरी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है तो और जिसने जाके नहीं देखे वो जाके देखना दो पार्ट आ चुके हैं अभी तक के आज उसका पार्ट थर्ड है और उसमें मैंने टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन दे रखे हैं और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है आर आर का उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रख रखे हैं पॉलिटी के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ठीक है आगे आने वाला कोई भी एग्जाम अगर एस का भी एग्जाम है उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका आने वाला एग्ज़ाम है अभी करेंट में आर आर बी एन टी पी सी वो बच्चे तो इस क्वेश्चन को रट लीजिए ठीक है तो इन्हीं क्वेश्चन में से बनते हैं सारे क्वेश्चन तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ फोर्टीन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है फोर्टीन फाइनेंस कमीशन जो था इंडिया का उसके चेयरमैन कौन है ठीक है तो उसके हम चेयरमैन जान लेते हैं पहले तो उनके चेयरमैन हैं वाई वी रेडी जी ठीक है अब ये फोर्टीन जो फाइनेंस कमीशन था ये कब इस्टिश हुआ ये हुआ 2013 में ठीक है और इसको कौन हेड करते हैं फॉर्मर गवर्नर ऑफ आर बी रेड्डी ये जो वाई रेड्डी है वो फॉर्मर गवर्नर हैं आर के ठीक है और इसके करेंट चेयरमैन कौन चल रहे हैं ये तो फोर्टीन है ना फोर्टीन फाइनेंस कमीशन थे और अब चल रही है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन तो फिफ्टीन uh, के कौन है चेयरमैन नंदकिशोर सिंह जी ठीक है कौन है एन के सिंह जी हैं ठीक है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी ठीक है किसका पूछा है देखिए वुमेन का ठीक है पहली नहीं पूछा कि पहला चीफ मिनिस्टर कौन था फर्स्ट वुमेन कौन पहली, पहली मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की तो कौन रह चुकी हैं वो महबूबा मुफ्ती जी ठीक है और इनका जो टेन्योर था टाइम पीरियड था वो कब कब से था फोर अप्रैल 2016 से ठीक है बीस जून दो हजार अठारह तक था ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच एक्ट वॉज द बी आई एफ आर इस्टैब्लिश मतलब कौन से एक्ट के अंडर बी आई एफ आर इस्टेब्लिश हुआ ठीक है अब बी आई एफ आर क्या है पहले हम जान लेते हैं बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन ठीक है और ये एक हमारा फाइनेंस uh, सर्विसेज का पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंस सर्विसेज का पार्ट है इसका फॉर्मेशन कब हुआ ये कब बना ये बना 1987 में बना और इसका मेन फंक्शन क्या है जितनी भी हमारी सिख पब्लिक सेक्टर्स से, मतलब बीमार पब्लिक सेक्टर्स से है जो काम करना बंद कर चुकी हैं या जो पुरानी हो चुकी हैं उनको दोबारा से रिवाइव करना ठीक है तो ये कौन से एक्ट के अंडर आता है ये आता है सिख इंडस्ट्रीज एक्ट के अंडर ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा मतलब किस राज्य का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है लोकसभा में ठीक है तो कौन से राज्य का है है उत्तर प्रदेश का ठीक है कितना सीट्स हैं उत्तर प्रदेश की 80 ठीक और महाराष्ट्र का सेकंड नंबर है तो महाराष्ट्र की कितनी है 48 ठीक सो द द द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 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 फॉलोइंग कैटेगरीज सिटीजन प्रिस्क्राइब एज मे बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर मतलब निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नागरिकों को निर्धारित आयु के मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है तो किनको किया जा सकता है जो अनिवासी नागरिक होते हैं मतलब नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स होते हैं उनको पंजीकृत मतदाता हो सकते हैं वो ठीक क्यों बिकॉज दे होल्ड इंडियन पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सिटीजनशिप ठीक है तो उनको एन भी बोलते हैं अब ये जो सिटीजनशिप है ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ये आता है आर्टिकल फाइव टू इलेवन ठीक और कौन से पार्ट में पार्ट सेकेंड में आता है ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है तो कितने साल का होता है पाँच साल का होता है ठीक है पाँच साल का होता है अब ये जो फाइनेंस कमीशन है ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है आर्टिकल टू एटी में ठीक है आर्टिकल टू एटी में आता है और इसे कौन फॉर्म करता है प्रेजिडेंट अपने इंडिया के प्रेजिडेंट करते हैं और फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है मिस्टर एन के सिंह ठीक है के सिंह जी कौन है हेड है फाइनेंस कमीशन के ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो उनके कौन थे जवाहरलाल नेहरू जी थे ठीक है और ये कब बनी थी जो प्लानिंग कमीशन थी कब बनी थी 15 मार्च 1950 में. ठीक है ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि प्लानिंग कमीशन कब बनी थी 1950 में 15 मार्च 1950 में अब वो नीति आयोग से रिप्लेस हो चुकी है ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है तो कौन दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक और अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो ओथ दिलाते हैं प्रेजिडेंट को ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डिड इंडिया बिकेम अ फुली सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया कब पूरा पूर्ण रूप से सोवरेन डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना तो कब बना वो 26 जनवरी 1950 में ठीक है अब क्या हुआ था 26 26 नवंबर 1949 को एक समिति का गठन हुआ इन्होंने एक समिति बनाई किसने उसके हेड कौन थे भीमराव अंबेडकर जी थे ठीक है तो एक कमेटी बनाई उस कमेटी में संविधान को अपनाने की बातें की गई ठीक है तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद जब संविधान लागू हो गया उसके बाद भारत एक सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री बन गया इसीलिए उसको फुली सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री 26 जनवरी 1950 को बोला गया ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं तो कितने हैं बारह शेड्यूल ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कितने शेड्यूल्स हैं बारह अब बारह कौन कौन से हैं ठीक है उस क्या क्या स्ट्रेट्स हैं उनके मैं सारी पूरी फुली डिटेल बनाऊंगी एक वीडियो में आप जाके उसको जरूर देखना ठीक है मैं एक अलग सा ट्यूटोरियल बनाऊंगी उसका सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज द हमारे संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसको होता है उसको होता है सुप्रीम कोर्ट को ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर बाई तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसको किसने तैयार किया था तो किसने तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने और कब किया था तेरह दिसंबर 1946 में ठीक है और ये भी पूछ लिया जाता है कि कब तैयार किया था तेरह दिसंबर उन्नीस में और किसने किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष मतलब चेयरमैन कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है मतलब संविधान सभा है उसका पहला आइडिया फर्स्ट आइडिया किसने दिया एम एन रॉय जी ने दिया और कब दिया 1934 में दिया ठीक है फिर एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बनी 1946 में बनी ठीक है 1946 में उसका गठन हुआ और संविधान लिखने के उद्देश्य से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कि हम चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इसीलिए उसका पहला पहले सभा का गठन हुआ ठीक है अब पहले इसके टेम्प्रेरी चेयरमैन कौन थे वो जान लेते हैं डॉक्टर सचिना सचिदानंद जी थे ठीक है फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट हुए एज अ प्रेजिडेंट और उस टाइम पे उनके वाइस प्रेजिडेंट कौन थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर कौन थे बी एन राव जी थे ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे तो कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ठीक है और कौन थे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल ठीक है तो कह रहे कौन से अमेंडमेंट के तहत सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया, गया प्रीएम्बल में तो कौन से अमेंडमेंट था वो 42 42 अमेंडमेंट ऑफ 1976 में हमारा सेक्युलर एंड सोशलिस्ट प्रीएम्बल में जोड़ा गया और जो हमारा प्रीएम्बल है वो एक इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट है और जिसको किसने पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब बाई आर्टिकल ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी वन में क्या आता है उसमें आर्टिकल ट्वेंटी वन में क्या आता है शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन ठीक अब बाकी ऑप्शन में आते हैं जैसे कि मैं ऑप्शन बताती ही हूँ हर बार ठीक है राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल नाइनटीन में आता है ठीक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल सूचना का अधिकार आर्टिकल तीन सौ चौबीस में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव में ठीक नोट कर लेना इन सबको मैंने व्हाइट बॉक्स में दे रखे हैं तो आप नोट कर लेना ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कंटेक्ट मीन दैट मतलब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है ठीक है तो पहले हम सेक्युलरिज्म का मतलब जानते हैं तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स एंड ट्रीटेड एज अ पर्सनल मैटर मतलब क्या है रिलीजन को धर्म को जीवन के राजनीतिक से आर्थिक से सामाजिक से सांस्कृतिक से सबसे अलग रखना और उसको अपना एक व्यक्तिगत मामला समझना ठीक और दूसरा क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना सारे फॉलोअर्स को रिलीजन के जितने भी सारे फॉलोवर्स हैं सारे रिलीजन के सारे फॉलोअर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना कोई पार्शल्टी नहीं करना रिलीजन के बेस पे ठीक तो अब हम ऑप्शंस पे आते हैं सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन हाँ भेदभाव नहीं करना रिलीजन के बेस पे ठीक है रिलीजन इज रिगार्डेड एज अ प्राइवेट मैटर हाँ अपना वो पर्सनल मैटर व्यक्तिगत मैटर होना चाहिए ये भी ठीक है तो क्या होगा बोथ ए एंड बी ठीक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय वाइस प्रेजिडेंट इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट को कौन इलेक्ट करता है कौन करता है संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज से सेलेक्ट किए जाते हैं वाइस प्रेजिडेंट अब इनका क्राइटेरिया क्या है थर्टी फाइव ईयर्स होनी चाहिए ठीक है पैंतीस साल होनी चाहिए और सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए और आर्टिकल सिक्सटी नाइन में इनकी ओत बताई गई है ठीक है इनकी जो शपथ है वाइस प्रेजिडेंट की वो बताई गई है कौन दिलाता है प्रेजिडेंट दिलाता है टेनियोर कितने टाइम का होता है पाँच साल का देखो सारे क्वेश्चन आ गए पहले तो इलेक्ट किससे होते हैं संसद के दोनों से दोनों सदन से और कितनी एज थर्टी फाइव एज होनी चाहिए और आर्टिकल सिक्सटी नाइन में वोत बता रखी है और कौन दिलाता है प्रेसिडेंट और टेन्योर कितना है पाँच साल तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान में शामिल किया गया किससे शामिल किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मतलब निर्देशिक सिद्धांत में शामिल किया गया ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन लिस्टेड इन द एट्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट्थ शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस बताई गई हैं कितनी बताई गई हैं बाईस लैंग्वेजेस ठीक और कौन सा आर्टिकल के अंडर आता है थ्री फोर्टी फोर वन एंड 351 के अंडर देखो अब इससे हमें पता क्या चला कि एट शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं कितनी है बाईस लैंग्वेज हैं कौन कौन से आर्टिकल में थ्री फोर्टी और थ्री में ठीक क्वेश्चन इज डैश और असेंशियल फॉर लिबर्टी हमारी स्वतंत्रता के लिए हमारी लिबर्टी के लिए क्या जरूरी है क्या आवश्यक है वो है हमारे अधिकार हमारे राइट्स हमारी राइट्स बहुत जरूरी है हमारी लिबर्टी के लिए हमारी फ्रीडम के लिए ठीक तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम परमिसेबल गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट के सेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए कितना होना चाहिए छह महीने का गैप होना चाहिए ठीक तो इससे ये पता चलता है कि पार्लियामेंट को साल में दो बार मिलना ही चाहिए मतलब उनकी जो मीटिंग है वो साल में दो बार होनी चाहिए तो कितना गैप होना चाहिए छ महीने का ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और एबुलिस्ड मतलब राज्य विधानसभा परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है तो वो आता है आर्टिकल 169 में तो आर्टिकल 169 में क्या आता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई भी जा सकती है और समाप्त भी की जा सकती है ठीक अब हाँ ऑप्शन में आते हैं एज यूजल जैसे मैं ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ आर्टिकल वन में क्या आता है आर्टिकल वन में ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर ठीक है चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटीज आती हैं आर्टिकल वन सिक्सटी एट में क्या आता है फॉर एवरी स्टेट दियर शेल बी लेजिस्लेटिव मतलब हर एक स्टेट में एक विधानमंडल होना चाहिए ठीक आर्टिकल वन सेवेंटी में क्या आता है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिटिव असेंबलीज मतलब विधानसभाओं की संरचना ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ बिल इन टू अ लॉ इट इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किससे गुजरना पड़ता है दोनों से लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज से गुजरना पड़ता है तभी एक बिल लॉ बनता है ठीक जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसको पास कर देते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्ट फंक्शनिंग तो भारत का संविधान सभा ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया कब किया 1946 में अपने मैं प्रीवियस क्वेश्चन में उसको पूरे डिटेल में समझा चुकी हूँ तो आप देखना उसको ठीक